तो फिर कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी दोस्तों का शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टाटा आईपीएल 2024 के दोस्तों मैच नंबर 17 के बारे में, जो आपका खेला जाएगा गुजरात और गुजरात के सामने दोस्तों पंजाब की टीम। गुजरात की टीम दोस्तों लास्ट मैच विन करके आ रही हैदराबाद के अगेंस्ट, वहीं दोस्तों पंजाब की टीम लास्ट मैच लॉस करके आ रही है। और लॉस का रीजन क्या था दोस्तों, इनके जो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे लिविंगस्टन, लास्ट टाइम में दोस्तों वो चोटिल हो गए और चोटिल होने की वजह से दोस्तों इनकी टीम को लास्ट मैच लॉस करना पड़ा। चलिए जानते हैं दोस्तों इस मैच में आपका क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस बेस्ट 11 प्लेयर को दोस्तों आप अपने स्मॉल लीग टीम में चूज कीजिएगा और इस मैच का दोस्तों गेम चेंजर प्लेयर आपके लिए कौन रहने वाला है। जानते हैं, सबसे पहले दोस्तों देख लेते कि ये मैच हो कहां पे रहा है, वो कहां पे रहा है और वहां का दोस्तों रिकॉर्ड क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे अपने कॉम्बिनेशन पे बढ़ेंगे। तो ये मैच दोस्तों हो रहा है आपका गुजरात के स्टेडियम में, दैट मीन दोस्तों गुजरात का होम ग्राउंड है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं। यहां का दोस्तों बात कर ले एवरेज स्कोर क्या रहेगा इस मैच का, तो देखो दोस्तों एवरेज स्कोर ना आपका डिपेंड करता है टॉस पे। टॉस पे कैसे डिपेंड करता है, यदि गुजरात की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो आपका एवरेज स्कोर 160 से लेके 180 के रहेगा, ठीक ना। यदि पंजाब की टीम दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करे तो एवरेज स्कोर आपका 170 से 190 के बीच में, क्योंकि पंजाब टीम का दोस्तों ध्यान रखिएगा इस मैच में थोड़ा सा बैटिंग स्ट्रांग है और गुजरात का थोड़ा सा बैटिंग वीक है। बॉलिंग दोनों का अच्छा है, बॉलिंग आप देखोगे तो दोनों का अच्छा है, बैटिंग थोड़ा सा पंजाब की टीम का ज्यादा स्ट्रांग है। पंजाब की टीम के पास ज्यादा हार्ड हीटर बैट्समैन है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा यहाँ पे आप टॉस को देख सकते हैं। टॉस का ही बात हो ही रहा है तो टॉस के रिगार्डिंग भी एक स्टैट्स है, वो भी समझ लेते हैं कि इस पिच पे बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड किसको ज्यादा एडवांटेज है। तो जो लास्ट 29 मैचेज हुए हैं आईपीएल का इस वेन्यू पे, उसमें आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 13 मैच विन किया और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने टोटल 15 मैच विन किया है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी टीम बैटिंग सेकेंड करती है मैक्सिमम टाइम दोस्तों विन करके जा रही है। अब जो लास्ट मैच हुआ था दोस्तों आपका गुजरात और एसआरएस का, वहां भी दोस्तों गुजरात की टीम बैटिंग सेकंड करके बहुत ही इजीली टारगेट को चेस कर जाती है। स्कोरिंग पैटर्न भी दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, 150 के नीचे 7 बार स्कोर लगे हैं, 150 और 170 के बीच में 8 बार, 170 और 190 के बीच में 8 बार और 190 के ऊपर 6 बार। देखो 190 के ऊपर तो स्कोर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों टीमों का बॉलिंग बहुत अच्छा है, तो जो मैंने एवरेज स्कोर आपको यहाँ पे बताया था इसी पे मेन फोकस रखिएगा, ठीक ना। बात कर ले कि यहाँ पे विकेट किसको ज्यादा मिलता है, स्पिन या फास्ट, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं जो लास्ट 2 मैचेज हुए इसी आईपीएल का इसी वेन्यू पे, उसको समझ लेते हैं। लास्ट मैच आपका खेला गया था एसआरएस और एसआरएस के सामने थी दोस्तों जीटी की टीम। एसआरएस की टीम बैटिंग फर्स्ट करते हुए 162 स्कोर करती है और जीटी की टीम दोस्तों देखिएगा टारगेट को चेस कर जाती है। इस मैच में दोस्तों पेसर को 6 विकेट मिले थे और स्पिनर दोस्तों इस मैच में टोटल 4 विकेट लेके गए थे, दैट मींस पेसर को ज्यादा विकेट मिला था, स्पिनर को दोस्तों 2 विकेट कम मिला था। उससे पहले वाला मैच जो दोस्तों खेला गया था आपका जीटी और एमआई के बीच में, दैट मींस मुंबई इंडियन के बीच में, जीटी की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है 168 स्कोर करती है, एमआई की टीम दोस्तों 162 रन ही कर पाती है। इस मैच में भी देखें तो दोस्तों पेसर 13 विकेट और स्पिनर को सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट ही मिले थे, दैट मींस स्पिनर को ना अभी इस ग्राउंड पे कम विकेट मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में दोस्तों जैसे जैसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होंगे स्पिनर का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस मैच में देखो राशिद खान को तो लेना ही है ना, पंजाब की तरफ से आप कोई स्पिनर नहीं लेना चलेगा, गुजरात की तरफ से आप राशिद खान को ले लेना और कोशिश करना जितने भी फास्ट बॉलर है सबको टीम में जरूर ले ले, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, मैं सभी कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनल टीम जब मैं बताऊंगा ना वहां पर भी दोस्तों मैं आपको छोटा छोटा टिप्स कोशिश करूंगा शेयर करने का, जिससे आप एक बेस्ट टीम रेडी कर पाओ। हेड टू हेड में दोस्तों आप देखिएगा तो गुजरात की टीम ने 2 मैच विन किया और पंजाब की टीम ने 1 मैच विन किया है, और यदि गुजरात की टीम बैटिंग सेकंड करती है मैं फिर से गुजरात को फेवर करूंगा, यदि पंजाब की टीम दोस्तों बैटिंग सेकंड करती है तो फिर पंजाब को हम लोग फेवर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों एक ऑफर भी देख लेते हैं जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं। जिन भाइयों ने अभी तक स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप यदि फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2 तरह का डिपॉजिट ऑफर मिलेगा। एक यदि आप 200 रुपया डिपॉजिट करते हो या 200 से ऊपर करते हो
तो यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा जो ग्रैंड लीग है ना स्पोर्ट्स पाजी का, वो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बस आपने इतना डिपॉजिट किया, आपको फ्री टिकट मिल जाएगा। यदि आप यहाँ पे 10,000 से ऊपर का डिपॉजिट करते हो तो प्रत्येक 10,000 से ऊपर जो आप डिपॉजिट करोगे उस पर आपको 10% का रियल कैश मिलेगा। दैट मीन 10,000 आपने किया तो टोटल आपके बैलेंस कितना होगा, 11,000 होगा। तो इसका भी आप लाभ ले सकते हो। देखिएगा सभी पूरे आईपीएल के लिए 260 लाख का लीडर बोर्ड चल रहा है, प्रत्येक मैच में 201 लाख सभी लोग विन कर रहे हैं। ये भी दोस्तों आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे जैसे मैचेस खेलिएगा इसमें ऑलरेडी आप पार्टिसिपेट होते रहिएगा। इस मैच में दोस्तों आपके पास ध्यान रखिएगा 5 रुपया में दोस्तों आप मोबाइल गैजेट भी विन कर सकते हो। सिर्फ 5 रुपया का कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा इसी मैच में। आप जब ओपन कीजिएगा ऐप तो आपको ये भी कॉन्टेस्ट मिल जाएगा। यदि आप गैजेट विन करना चाहते हैं तो आप ये कॉन्टेस्ट भी प्ले कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पे आपको डिफरेंट आपके बजट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे बहुत सारा कॉन्टेस्ट है। फ्री का दोस्तों गिव अवे भी चलते रहता है, 225,000 का सभी मैच में गिव अवे रहता है, आप इसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फैंटेसी का टीम तो दोस्तों मैं इसका आपको सभी मैच का देता भी, और इस मैच का भी मैं दूंगा। फैंटेसी के साथ साथ यदि आप स्टैट्स प्रो प्ले करना चाहते हैं तो स्टैट्स प्रो में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन को पिक करके ये भी आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेयर स्टॉक भी मिल जाएगा कि आप प्लेयर का स्टॉक भी खरीद सकते हैं। तो जिन भाई ने स्पोर्ट्स पाजी आपको डाउनलोड नहीं किया जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फैंटेसी का फाइनल टीम 10 से 5 मिनट पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और दोनों टीमों का प्लेइंग 11 देख लेते हैं। गुजरात की तरफ से कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेगा इस मैच में दोस्तों। प्लेइंग 11 में सेम प्लेइंग 11 रहेगा जो इनका दोस्तों लास्ट मैच में था। ओपन गिल करेंगे साहा के साथ, सॉरी थोड़ा सा वेट कीजिए मैं नीचे कर लेता हूं, यस अब सही है। ओपन बैटिंग दोस्तों आपका गिल करेंगे साहा के साथ, फिर आपको साई सुदर्शन मिलेंगे, उमर जाई, डेविड मिलर, बी शंकर, राहुल टेवटिया, राशिद खान, उमेश यादव। इधर आपको दोस्तों ए नमद लास्ट मैच में खेले थे क्योंकि थोड़ा सा जो पीस था ना स्पिन को हेल्प कर रहा था, इसलिए दोस्तों अफगान स्पिनर को खेला गया था नटांडे और दोस्तों मोहित शर्मा। अब इंपॉर्टेंट इसमें से कौन रहेंगे, तो इंपॉर्टेंट में दोस्तों गिल साहा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे, साई सुदर्शन इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मैच में, उमर जाई बॉलिंग से बैटिंग से मुझे बहुत ज्यादा इन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। यदि गुजरात की टीम बैटिंग सेकंड करती है तो डेविड मिलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में कम इंपॉर्टेंट है। विजय शंकर का इंपॉर्टेंस नहीं है, राहुल टेवटिया का नहीं, राशिद खान का तो यार हमेशा ही इंपॉर्टेंस रहेगा। उमेश यादव का मैं उतना नहीं देखता हूं क्योंकि सामने जो टीम है उनके जो ओपनर है काफी अच्छे ओपनर है, तो फ्री में दोस्तों विकेट नहीं देंगे उमेश यादव को। एन अहमद एक गेम चेंजर का काम एक बार फिर से इस मैच में आपके लिए कर सकते हैं, ठीक ना। इन पे थोड़ा फोकस रखिएगा, स्मॉल लीग में आप नहीं रखिएगा चलिएगा, लेकिन मिनी जीएल ग्रैंड लीग में गेम चेंजर रहेंगे। नटांडे दोस्तों लास्ट मैच में डेथ में भी बॉलिंग कर रहे थे, ये भी दोस्तों आपके लिए गेम चेंजर है। इस मैच में गुजरात की तरफ से ये दोनों प्लेयर दोस्तों आपके लिए गेम चेंजर है, ठीक ना। और मोहित शर्मा को तो सभी लोग लेके ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सामने वाली टीम का भी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो पंजाब की तरफ से हो सकता है इस मैच में कुछ चेंजेस कर ले क्योंकि ये टीम दोस्तों लास्ट मैच लॉस करके आ रही है, बट मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंज करना भी चाहिएगा, ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। ओपन धवन करेंगे बेरिस्टो के साथ, पी सिंह, सैम करन, जे शर्मा, लिविंगस्टन। हाँ लास्ट मैच में ना लिविंगस्टन चोटिल हो गए थे तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि लिविंगस्टन का चोट सही हुआ कि नहीं। यदि चोट सही हो गया होगा तो 100% प्ले करेंगे, यदि चोटिल है अभी भी तो हो सकता है इनके जगह दोस्तों कोई दूसरा प्लेयर खेल जाए, और कौन प्लेयर खेलेगा वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, और खेलेगा तो क्या उनको रखना है फाइनल जब टेलीग्राम पे मैं टीम दूंगा वहां भी शेयर कर दूंगा, ठीक ना। एस सिंह कुछ कर नहीं रहा यार, इनके जगह ना अदर प्लेयर को खिलाना चाहिए, पंजाब के पास बहुत ऑप्शन है लेकिन पता नहीं पंजाब की टीम इन्हीं को क्यों खिला रही है। हर्षल पटेल इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एश बरार उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं देखता हूँ, सामने साई सुदर्शन जैसे बैट्समैन है जो स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं। कगिसोर अबादा इंपॉर्टेंट है, राहुल चहर नहीं इंपॉर्टेंट है, अक्षदीप इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में ए सिंह, रबादा, एच पटेल बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में मैं इनको इंपॉर्टेंट में नहीं रखता हूं। फिर बैटिंग से धवन, बेरिस्टो और सैम करन तो बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देंगे तो कैप्टन वाले ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं, अब हम लोग अपने प्रेडिक्शन पे फोकस करते हैं और बारी बारी से सभी प्लेयर का स्टैट समझते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों साहा का। अब देखो दोस्तों साहा का इस मैच में प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि सामने जो फास्ट बॉलिंग है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रवादा मिलेंगे, अक्षदीप मिलेंगे दोस्तों, और ऐसे बॉलर के सामने हो सकता है साहा इस मैच में फ्लॉप जाए।
तो स्मॉल लीग में आप ले लेना, 22 का एवरेज है, बहुत अच्छा एवरेज तो मैं नहीं बोलूंगा, और वेन्यू पे भी सिर्फ 21 का एवरेज है, लेकिन जीएल और मिनी जीएल में इनको आप ड्रॉप करके एक बड़ा रिक्स आप ले सकते हो। सिलेक्शन बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन क्यों आउट हो सकते हैं, क्योंकि सामने बॉलिंग बहुत अच्छा मिलेगा, तो वहां पे हो सकता है कि सहा अपना विकेट दे दे, और हेड टू हेड भी रिकॉर्ड देखिएगा तो बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ 22 का है। बैरिस्टो का तो और भी खराब हेड टू हेड रिकॉर्ड है, दो मैच में सिर्फ और सिर्फ 4 का एवरेज है, और देखो ये जो दो मैच कहा ना इनका, इनको समी भैया ने आउट किया था, लेकिन समी इस बार नहीं है, तो मेरे को लग रहा है इस पिच पे बैरिस्टो स्पेशली स्टार्टिंग के ओवर में ना रन करेंगे, बाद में जाके दोस्तों ये अपना विकेट राशिद खान को तो 100% फेंकने वाले हैं, लेकिन पावर प्ले में हो सकता है 30 रन कर जाए, तो इसी वजह से स्मॉल लीग में ये ज्यादा सेफ है इस मैच में, और ध्यान रखना सहा थोड़ा सा रिक्सी ऑप्शन है, ठीक ना, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और विकेट कीपिंग सेक्शन से जितेश शर्मा सिर्फ जीएल में आप ट्राई कर सकते हो, दो मैच खेले इस टीम के अगेंस्ट, 48 रन स्कोर किए, बहुत खराब भी रिकॉर्ड नहीं है, बहुत अच्छा भी रिकॉर्ड नहीं है, बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे करते हैं। बैरिस्टो को आप किसी टीम से ड्रॉप कर रहे हो तो वहां पे आप जितेश शर्मा को ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो, स्मॉल लीग में मैं बैरिस्टो को ले रहा हूं इस मैच में, ठीक ना। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों गिल का ऑप्शन मिलेगा, गिल भैया इस पिच पे कभी भी ड्रॉप मत करना, और हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए, 5 मैच में 208 रन स्कोर किए हुए पंजाब के अगेंस्ट, मस्ट पिक है, सभी टीम में लेके चलिएगा, कैप्टन बीसी भी दोस्तों एक बार फिर से आप इनको कर सकते हैं। इधर आपको मिल जाएंगे दोस्तों धवन भैया का ऑप्शन, धवन भैया का परफॉर्मेंस देखिए तो 3 मैच में 105 रन है गुजरात के अगेंस्ट, दैट मीन्स धवन भैया और गिल भैया दोनों दोस्तों जब आपस में खेलते हैं, दोनों दोस्तों हाथ मिला के खेलते हैं और दोनों ही परफॉर्मेंस करके जाते हैं, तो दोनों को दोस्तों लेके चलेंगे, ठीक ना, क्यों जुदा करें, दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है। विजय शंकर को नहीं ट्राई करना है, पी सिंह को दोस्तों नहीं ट्राई करना है, दोनों को दोस्तों आप ड्रॉप करके चलो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। इधर आपको मिल जाएंगे डेविड मिलर, जैसा मैंने बताया दोस्तों गुजरात की टीम बैटिंग सेकंड करती है, डेविड मिलर स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में बहुत अच्छे ऑप्शन है। बैटिंग फर्स्ट में डेविड मिलर का उतना अच्छा दोस्तों रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बैटिंग सेकंड में ना बहुत तगड़ा दोस्तों खेल के जाते हैं, लास्ट मैच में भी 44 रन स्कोर किए थे बैटिंग सेकंड में किए थे, फर्स्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट करने को चांस मिला, बहुत लंबा नहीं खेल पाए, तो बैटिंग सेकंड में डेविड मिलर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और इस पिच पे तो 42 का एवरेज भी है इनका। इधर आपको मिल जाएंगे दोस्तों एस सिंह का, किसी भी टीम से नहीं लीजिए आप, ड्रॉप करके दोस्तों चल सकते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल नहीं रहे इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं बैटिंग सेक्शन से ऑप्शन, तो साई सुदर्शन 100% सभी टीम में आपके होने चाहिए, क्योंकि ये बंदा ना देखो गुजरात का बोले तो एक ऐसा प्लेयर है जो तेजी भी खेल लेता है, और यदि मान के चलो स्टार्टिंग में जल्दी विकेट गिर जाता है तो दोस्तों सिंगल डबल पे भी फोकस करता है, और ये स्पिन को भी बढ़िया खेलेगा, फास्ट बॉलर को भी दोस्तों बढ़िया खेलते हैं, तो इसी वजह से साई सुदर्शन तो 100% टीम में होने चाहिए। इनका नाम हो सकता है फिर से एज ए सब्स्टिट्यूट हो, बट लेके चलिएगा। उमर जाई इंपॉर्टेंट रहेंगे, 4 ओवर का दोस्तों आपको पावर प्ले में बॉलिंग करके देंगे, हो सकता है कि दोस्तों बैरिस्टो को फंसा भी ले, ठीक ना, बैरिस्टो इनके पीछे जाएंगे जरूर, और इनको दोस्तों हो सकता है फर्स्ट ओवर में इनको लग भी जाए 2-3 बाउंड्री, लेकिन फंसा सकते हैं बैरिस्टो को। रिकॉर्ड हेड टू हेड में नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम दोस्तों खेलेंगे हेड टू हेड में, वेन्यू पे 2 मैच खेले हैं, 3 विकेट लिए हुए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मैच में 3 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उमर जाए इंपॉर्टेंट है, और इधर जो प्लेयर है ये तो 100% इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, बहुत अच्छे ऑप्शन इनको कैप्टन बीसी ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो अब इनका बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में हो रहा है, बैटिंग करने का पूरा चांस मिल रहा है, बॉलिंग भी दोस्तों 4 ओवर का इस पिच पे कंफर्म रखो करके देने वाले हैं, इस पिच पे ना इनका बॉलिंग बहुत अच्छा सूट करेगा, जब ये कटर करेंगे ना तो बहुत अच्छा बॉल दोस्तों इनका घूमेगा भी, तो सैम करन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हो लाउंडर सेक्शन में, राहुल टेबडिया को नहीं लेंगे हम लोग, लिविंगस्टन खेले तो ट्राई कर सकते हैं, लिविंगस्टन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिविंगस्टन खेले तो आप ट्राई कर सकते हैं बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकेंड दोनों में, यदि चोट की वजह से बाहर जाते हैं तो फिर इनकी जगह जो प्लेयर आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और यदि इंपॉर्टेंट होंगे तो वहां पर मैं आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू बता दूंगा कि उनको टीम में लेना कैसे है। राहुल टेबडिया का रिकॉर्ड दोस्तों भले ही पंजाब के अगेंस्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक मैच ऐसा भी था दोस्तों पंजाब के अगेंस्ट इन्होंने दोस्तों ये क्वार्टरल को 5-6 से स्कोर किया था, लेकिन स्टिल अब पंजाब टीम का बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, रवादा हर्षल पटेल और दोस्तों उनके सामने अक्षदीप मिल जाएंगे, वहां पे राहुल टेबडिया बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लिविंगस्टन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, खेले तो ना खेले तो कोई टेंशन ही नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में हर्षल पटेल बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग सेकेंड में रिक्स आप ले सकते हो ड्रॉप करके,
ठीक ना, हेड टू हेड भी आप देखिएगा तो बहुत शानदार नहीं है, तीन मैच में सिर्फ एक विकेट है। वेन्यू पे भी दोस्तों तीन मैच में सिर्फ दो विकेट है। तो ध्यान रखिएगा हर्षल पटेल का बॉलिंग फर्स्ट यदि पंजाब की टीम करती है लेके चलिएगा, बॉलिंग सेकेंड यदि पंजाब की टीम करती है तो इनको ड्रॉप करके ना सामने वाले टीम के बॉलर को आप पिक कर लेना। जैसे एन अमन जो लेग स्पिनर है दोस्तों अफगानिस्तान का, कोई ले नहीं रहा है लेकिन हर्षल पटेल के साथ उनको आप रोटेट कर सकते हो। राशिद खान बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड दोनों में इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड कमाल का रिकॉर्ड है, 8 मैच में 16 विकेट है पंजाब के अगेंस्ट। तो इस मैच में भी दोस्तों राशिद खान आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट बॉलर है, ड्रॉप दोस्तों आप किसी भी टीम से नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन में, कगिसोर अबार डेफिनेटली लेके चलिए क्योंकि बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनका दिखेगा, 3 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं गुजरात के अगेंस्ट। और गिल को ना बहुत बार तंग करके रखते हैं, गिल और दोस्तों रवादा का आपको स्टार्टिंग में मैचअप देखने को मिलेगा। गिल सबसे ज्यादा दोस्तों किसी से परेशान होते हैं आईपीएल में हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब भी साउथ अफ्रीका से मैच हो कगिसोर रवादा के सामने दोस्तों वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो रवाडा भैया मस्ट पिक है, ध्यान रखिएगा किसी को भी ड्रॉप कीजिए, इनको मत कीजिएगा। इधर आपको मिल जाएंगे उमेश यादव, हेड टू हेड में दोस्तों इतना अच्छा तो रिकॉर्ड आपको बहुत शानदार मिल रहा है, 19 मैच में 29 विकेट है। लेकिन जो अभी गुजरात का जो पिच है ना दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा ग्रास को नहीं छोड़ा जा रहा है, ग्रास को यदि छोड़ा जाता तो उमेश यादव एक बहुत अच्छे दोस्तों गेम चेंजर पिक बन जाते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में स्विंग कराते हैं। लेकिन अभी जो विकेट बनाया जा रहा है ना वो ड्राई बनाया जा रहा है और ड्राई विकेट में उमेश यादव को उतना अच्छा स्विंग नहीं मिल रहा है कि इनको स्टार्टिंग में विकेट मिले, तो इसी वजह से मैं ड्रॉप अभी कर रहा हूं। लेकिन यदि गुजरात टीम को आप फेवर करके ग्रैंड लीग में टीम बना रहे हो वहां पे आप इनको जरूर पिक करना और रोटेट भी इनको कर सकते हैं, इनको आप ना हर्षल पटेल के साथ भी रोटेट कर सकते हैं। गुजरात की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे, हर्षल पटेल के साथ कोशिश जरूर करो कि ग्रैंड लीग में एक दो टीम में इनको रोटेट करने का, ठीक ना। मान के चलो पावर प्ले में विकेट नहीं मिलता है लेकिन डेथ में आके दोस्तों एक दो विकेट ले गए तो आपके लिए वो रोटेशन काम कर जाएगा। तो थोड़ा सा उमेश यादव पे फोकस जरूर रखिएगा, इग्नोर आप नहीं कीजिएगा अदर प्लेयर के जैसा, ठीक ना, फोकस इंपॉर्टेंट है। राहुल चेर का उतना अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड भी नहीं है और वेन्यू पे भी कुछ खास है ही नहीं दोस्तों, और मैं ले भी नहीं रहा हूं क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल ही नहीं रहे। और फॉर्म में ना अच्छे चलने की वजह से हो क्या रहा है ना कि ये 4 ओवर का किसी भी मैच में बॉलिंग नहीं कर रहे, हमेशा दोस्तों इनका ओवर कट रहा है, तो इसी वजह से मैं ड्रॉप कर रहा हूं। इधर आपको मिल जाएंगे दोस्तों नाकंडे का ऑप्शन, लास्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था, ऐसे विकेट उतना नहीं मिला था, स्मॉल लीग टीम से आप ड्रॉप करके चल सकते हो, ट्राई करना हो एक दो टीम में जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना खास है नहीं और टोटल 4 ओवर का बॉलिंग भी नहीं करेंगे इस मैच में। हो सकता है कि उमेश यादव और इनका ओवर बराबर हो जाए, दो दो ओवर का ओवर मिल जाए। एच ब्रार का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड 1 मैच में 1 विकेट है, बहुत शानदार मैं नहीं बोलूंगा, वेन्यू पे 2 मैच में 4 विकेट निकाले हुए हैं। लेकिन देखो इस मैच में ना यदि आप गुजरात का टीम देखोगे तो आपको ये जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, गिल हो गए, शाह हो गए, साई सुदर्शन हो गए, तो ये तीनों के तीनों ना इंडियन बैट्समैन है जो दोस्तों स्पिन को बहुत अच्छा से टैकल कर लेंगे, और स्पेशली दोस्तों हरप्रीत ब्रार को, ठीक ना। गिल तो दोस्तों हरप्रीत ब्रार के साथ डोमेस्टिक लेवल पे भी खेल चुके हैं, दोनों दोस्तों पंजाब की तरफ से डोमेस्टिक लेवल खेलते हैं, तो मुझे जहां तक लग रहा है इस मैच में हो सकता है हरप्रीत ब्रार विकेट लेस जाए, ट्राई करना हो जीएल में ट्राई करना, ठीक ना। एक गेम चेंजर पिक दोस्तों ये है आपके लिए, नूर अहमद गेम चेंजर पिक बन सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड में आप इनको जरूर ट्राई करना, रोटेट करना एच पटेल के साथ, ठीक ना। जैसा मैंने बताया था आपको एच पटेल के साथ इनको रोटेट आप जरूर कीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा, लोग इनको ले भी कम रहे हैं लेकिन गेम चेंजर पिक बन सकते हैं। हेड टू हेड में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वेन्यू पे ऑलरेडी 8 मैच में 8 विकेट है, और पूरे आईपीएल का रिकॉर्ड देखिएगा तो 14 मैच में 17 विकेट है, और यदि ये खेलेंगे तो 4 ओवर का बॉलिंग आपको डेफिनेटली करके देंगे राशिद खान के साथ, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, और भी ऑप्शन आपके लिए, अक्षदीप मोहित शर्मा दोनों को आप लेके चलो, ठीक ना। अक्षदीप का रिकॉर्ड भले ही बहुत शानदार नहीं है लेकिन 100% होने चाहिए टीम में, ड्रॉप मत कीजिएगा क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे वहां पे भी विकेट ले लेते हैं, और इस मैच में साहा को भी दोस्तों पावर प्ले में तंग जरूर करेंगे, तो अक्षदीप को तो लेना ही है और मोहित शर्मा को तो 100% लेके चलिए क्योंकि गुजरात के पास अभी कोई विकेट टेकर बॉलर है तो वो दोस्तों मोहित शर्मा है, किसी भी मैच में दोस्तों निराश नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट मैक्सिमम मैच में दोस्तों विकेट ले रहे हैं और गुच्छे में विकेट ले रहे हैं क्योंकि बॉलर ही ऐसे दोस्तों स्लोअर वन कटर इतना ज्यादा फेंकते हैं कि बैट्समैन मारने जाता है हमेशा दोस्तों कैच आउट होके पवेलियन को लौट जाता है,
तो मोहित शर्मा 100% इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए इस मैच में भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग अपना फाइनल टीम भी देख लेते हैं जो इस मैच में मैंने आपके लिए अभी के लिए बना के रखा है, और अभी के लिए आप लोग इस टीम को सेव करके रखिएगा, ठीक ना। टीम क्या है पहले देख लेते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने बस बैरिस्टो को रखा है, बैटिंग सेक्शन से धवन, साई सुदर्शन, गिल, और राउंडर सेक्शन से सैम करन और उमर जाई, बॉलिंग सेक्शन से मोहित शर्मा, कगिसो रबादा, राशिद खान, ए सिंह और हर्षल पटेल। अब देखो इस टीम में मैं चेंज क्या कर सकता हूं। यदि गुजरात की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो हो सकता है मैं हर्षल पटेल को ड्रॉप करके बॉलिंग सेक्शन से ही दोस्तों एन अहमद को टीम में पिक कर लूं एज अ गेम चेंजर प्लेयर, ठीक ना। और सेकेंड गेम चेंजर दोस्तों आप उमेश यादव को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में आप एन अहमद को करना, जीएल और मिनी जीएल में उमेश यादव पे भी आप रिक्स ले सकते हो। कैप्टन मैंने दोस्तों सैम करन को किया है, बीसी मैंने शिखर धवन को किया है। बीसी दोस्तों आप चेंज करना चाहो तो साई सुदर्शन भी एक अच्छे ऑप्शन है, और यदि दोस्तों गुजरात की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे तो मोहित शर्मा पे भी आप जरूर रिक्स लो, 100% रिक्स लीजिए मोहित शर्मा पे इस मैच में, स्पेशली गुजरात की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे, ठीक ना। अभी के लिए सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव करके रखिए, कोई चेंजेस होगा इस टीम में तो मैं फाइनल टीम एक बार फिर से आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जितने भी न्यू मेंबर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी अवेलेबल है, या आप इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन ओपन कीजिएगा, वहां पर भी ना फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, ठीक ना। कोई चेंजेज होगा, कोई भी अपडेट देना होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों जरूर कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजिएगा, ठीक ना, जिससे आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।